सो व्हाट्सअप मेरे लोग, क्या हाल चाल आप सभी के? होप करता हूँ सभी लोग चंगे मंगे के मौज करोगे। तो भाई लोग आ चुके हैं आज फिर से न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके। तो आज बात करेंगे हम लोग का जो नीट का OMR सीट है कब तक आने वाला है 2024 का। तो आज कल जो कि आपको न्यूज़ में दिख रहा है, हालांकि कि हम लोग का बहुत री एग्ज़ाम का मतलब बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है, और उसके बाद 33 स्टूडेंट्स जो पकड़े गए थे बिहार साइड में जो रिलीज़ आंसर की रिलीज़ करने के थ्रू, ठीक है। तो बाकी हम लोग बात करेंगे कि OMR सीट कब तक आने वाला है। तो हम लोग पहले एज़ कंपेयर कर लेते हैं 2023 और 2024 के बेसिस पे, उस पर हम बता सकते हैं कि आपका OMR सीट और आंसर की कब तक आने वाला। तो लेट्स कंपेयर। तो 2023 की बात करें तो यहाँ पर हम लोग का पहले आप देख सकते हो 6 मार्च को हम लोग का नोटिफिकेशन आ गया था कि आप लोग का नीट का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और इसके एप्लीकेशंस आने वाले हैं। तो 6 मार्च में हमारे एप्लीकेशंस भी आ गए थे, और जो हमारा लास्ट सबमिशन डे था वो हमारा था 13 अप्रैल, यानी 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आपका मान सकते हो लास्ट सबमिशन डेट था। यहाँ पे इसके बीच में 6 अप्रैल को मेन आपका कंसिडर किया गया था, और बाकी करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन हुई थी वो भी अप्रैल के 6 के बाद 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक थी, जो कि 13 अप्रैल तक चला था ये चीज़। उसके बाद जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था वो 1 मई को आपका रिलीज़ हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो आपकी 7 मई तक आपका जो नीट एग्ज़ाम डेट था वो 7 मई तक का था, ठीक है। और जो एग्ज़ाम टाइमिंग आप देख सकते PM से स्टार्ट होना था और फिर 5:20 PM से ओवर होना था, ठीक है। तो ये था 2023 का एग्ज़ाम डेट, जो कि कैसे एग्ज़ाम हुए थे। और उसके बाद आप देख सकते हो 3rd वीक यानी अप्रैल में, जो कि आप लोग का OMR शीट की, भाई आपका जो आंसर की था आप चेक कर लो कि आपका एग्ज़ाम कैसे क्या हुआ था। उसके बाद जो फाइनल डेट लेके फर्स्ट जो कि न्यूज़ आई थी उस समय 3rd अप्रैल को निकलेगा। उसके बाद टाल के यहाँ पे 4 जून को हमारा यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारा निकाला गया था आंसर की, जो कि 6 जून तक हमारा जो मेन आंसर था वो निकल गया था। उसके बाद जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन हुआ था वो हुआ था 13 जून को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 7 मई को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद लमसम 1 महीने बाद आप देखिए रिलीज़ हुआ था आंसर। तो ऐसे ही आप कंपेयर कर सकते हो 2024 का। तो 2024 का एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो बात करें 2024 का, तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ गए थे 9 फरवरी को, ठीक है। जो 9 फरवरी को हमारे जो कि नोटिफिकेशंस आ गए थे हमारे 2024 के नीट एग्ज़ाम के पेपर, और वहीं पे आप लोग का फॉर्म भी रिलीज़ कर दिया गया था, जो कि 16 मार्च तक हमारा फॉर्म रिलीज़ किया गया था। और उसके बाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट को सॉरी एडमिट कार्ड जो हमारे रिलीज़ हुए थे वो 1 मई तक आए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टाइमिंग थी वो भी यहीं एकदम सुबह स्टार्ट हुआ था और 5:20 PM तक चला था हमारा एग्ज़ाम, और इसी समय के आसपास हमारा जो आप बोल सकते हो क्या कहते हैं आंसर वो लीक हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 5 मई को हमारा जो पहला एग्ज़ाम क्रिएट जो कि कंडक्ट हुआ था, और इसी हिसाब से हमारा 5 मई को जैसा आप देख सकते हो 5 मई को, और उसके बाद 1 महीने का गैपिंग आप देख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट वीक जून यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून 2 जो कि OMR शीट हमारी रिलीज़ होगी, और उसी के साथ साथ जो फाइनल आंसर रिलीज होगा वो भी 14 जून तक रिलीज़ हो जाएगा। तो आप लोग का पर्टिकुलर डेट होगा 24 जून, जो कि लास्ट डेट होने वाला है, जो कि 2024 का यहाँ पे आंसर की रिलीज़ होगा नीट एग्ज़ाम का। और काउंसलिंग अगर बात कर लें कि हमारा काउंसलिंग कब होगा, तो 2024 का जो जुलाई महीना होगा उसमें आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, जहाँ तक न्यूज़ निकल के आ रही है। और बाकी कोई भी अपडेट निकल के आती है तो तुरंत क्लियर की जाएगी हमारे चैनल के थ्रू। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।